आप देख रहे हैं आपको मेरा YouTube चैनल पाकिस्तान स्टोरी और मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची शहर के इलाके गुरु मंदिर में और कंजुल ईमान मस्जिद के पास मौजूद हूँ। 12 रबीउल की आमद आमद है और 12 रबीउल की आमद के हवाले से यहाँ पर स्टॉल लग चुके हैं और आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर जोश वगर से ख़रीदारी में मसरूफ हैं। 12 रबीउल के हवाले से आप देखें, ये साहब 12 रबीउल की आमद के हवाले से झंडा माशाल्लाह यहाँ ले रहे हैं। डॉलर से यार याल से बिकता नहीं कभी, जिस जहन में समाया फकत दस्त करबला, फकत दस्त करबला, मोमिन हो सर कटाता है झुकता नहीं कभी। सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं आम, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं आम, सरकार का नौकर शफाअत का फैसला, कैसे भला वो जाए जहन्नम की आग में, कर ले हुजूर जिसकी हिमायत का फैसला। सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं आम, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं आम, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं आम। मैं समझता हूँ 12 रबीउल के हवाले से 2020 में सबसे खूबसूरत जो चीज़ मुझे लगी वो ये लगी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। और आप ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, ये देखिए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, ये देखिए आप। बारह रबील की आमद आमद है, 12 रबील के हवाले से कोई दफ़ा नई चीज़ ऐसी आई है? अच्छा माशाल्लाह, ये इस दफ़ा नया आइटम नहीं है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, 12 रबील के हवाले से इस दफ़ा कोई नई चीज़ आई है 12 रबील के अंदर जो आप बताना चाहेंगे आप? हाँ बताइए ज़रा क्या चीज़ है जो नहीं, जो लोग कौन से ऊपर वाले नाले? अच्छा ये वाले जो है, ठीक है।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली रजा अत्तारी है। 12 रबीउल की आमद आमद है और 12 रबीउल की आने के अंदर भी 12 से 14 दिन है मेरे समय समझता हूँ, तो माशाल्लाह स्टॉल अभी से आपने लगा रही है, तैयारी इसकी उरूज पर है जी? बिल्कुल, बहुत ही उरूज पर है और हर साल 15-12 दिन पहले ही बहुत ही उरूज पर चली जाती है। इस बार कोरोना वायरस के अलावा भी तैयारी बहुत उरूज पर है। ये बड़ी अहम बात करी कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हवाले से के बावजूद भी के लोग खरीदार यहाँ पर बहुत खरीदार आ रहे हैं माशाल्लाह से, और पिछली बार से ज़्यादा इस बार काम उरूज पर है। पिछली बार से ज़्यादा ही देखिए लोग यहाँ पे इस दफा आ रहे हैं 12 रबीउल के हवाले से। 12 रबीउल के हवाले से भी दो बोल आप बोलना चाहेंगे आप? 12 रबीउल तो सबको मनानी चाहिए मतलब के, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमको ईमान की दौलत से नवाजा है, तो हम खाली एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं मना सकते, तो हमको ज़रूर मनानी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह।